नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बुजुर्ग का अपहरण कर बेटी से 3 लाख की फिरौती मांगने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार, बुजुर्ग को मिली मुक्ति। कल्याण से एक बुजुर्ग व्यक्ति का अपहरण करके उसके परिजनों से 3 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 3 लोगों को डोंबिवली की मानपाड़ा पुलिस ने एक होटल से गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार डोंबिवली पूर्व स्टार कॉलोनी के निवासी 65 साल की एक बुजुर्ग महिला ने 1 जनवरी को मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उनके पति का 3 लोगों ने अपहरण कर लिया और उन्हें छोड़ने के लिए उनकी बेटी से 3 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया, अपहरणकर्ता ने मेरी बेटी के मोबाइल पर एक बैंक का चेक भेजा है और उसी खाते में पैसा जमा करने के लिए कहा है और पैसा जमा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चेक व फोन लोकेशन के माध्यम से पूरी डिटेल निकाली तो पता चला कि अपहरणकर्ता वसई नाला सुपारा के गोराई नाका के पास हैं। पुलिस ने गोराई नाका के सभी होटल लॉज को चेक करके एक होटल के कमरे से बुजुर्ग को मुक्त कराकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट सेफ न्यूज लाइव। मानपाड़ा पुलिस ठाने एक 3/21/22 हा गुन्हा दाखल झालेला होता, त्यामध्ये 65 वर्षाचा बॅनर्जी नावाचा इसम याला किडनॅप केलं होतं। यातील आरोपी, मुख्य आरोपी आणि जो हा किडनॅप पर्सन आहे यांच्यामध्ये काही थोडेसे वाद होते। आधी पैशावरूनचे ते एजंट म्हणून काम करायचे, त्यानंतर हे वादानंतर जो 4 आरोपी एकत्र येऊन ह्या 65 वर्षाच्या बॅनर्जी नावाच्या इसमाला त्यांनी किडनॅप केलं। किडनॅप केल्यानंतर ते ठिकठिकाणी ते घेऊन जात होते, आमचा तपास चालू होता। दरम्यानच्या काळात ते ह्या आरोपीला नालासोपाराला इथे येऊन गेले आणि एका हॉटेलमध्ये तिथे ठेवलं होतं। आमचे PSI तारमाळे यांनी तांत्रिक तपास चांगल्या प्रकारे करून त्यांना स्पॉट व्हेरीफाय केला आणि तात्काळ ते आरोपी अटक केले आणि तो जो 65 वर्षाचा माणूस आहे जो बॅनर्जी किडनॅप झाला होता त्यालाही सुखरूपपणे ताब्यात घेतलं आणि त्यांना त्यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात दिलेला आहे। आरोपींना अटक करून त्यांची कस्टडी घेतलेली आहे, आजपर्यंत कस्टडी आहे। त्यांच्यावरसुद्धा इतर काही गुन्हे आहेत का, त्याचा पण तपास चालू आहे।